क्या अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? क्या अर्थ से बेहतर जीवन भी कहीं और है? सदियों से हम इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या हमारे धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। शुरुआती जीवन की खोज में हमारे वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में मौजूद ग्रहों का अध्ययन करना शुरू किया, पर कई सालों तक किए गए अध्ययन में हमें निराशा ही हाथ लगी। मगर लगातार खोज के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हमने जीवन की खोज के लिए इन ग्रहों का चक्कर लगा रहे उनके मून्स का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे हमारे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि जीवन की संभावनाएं दूसरे ग्रहों के मून्स पर मौजूद है। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून ग्रहों का चक्कर लगा रहे कुछ ऐसे चंद्रमाओं का पता चला जहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है या भविष्य में वहाँ किसी प्रकार की मानव बस्ती बसाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक रोमांचक सफर पर, जहाँ हम इन चंद्रमाओं की एक अनोखी यात्रा कर इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर वन पर आता है एनसेलेडस। एनसेलेडस सैटर्न ग्रह का छठा सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौर मंडल में जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ मून है। ये एक आइसी वर्ल्ड है जिसका सरफेस मुख्य रूप से फ्रेश सॉलिड आइस से बना हुआ है। ये एक काफी एक्टिव और यंग मून है जिसका निर्माण आज से केवल 100 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसका सबसे पहले अध्ययन नासा के वॉयगर मिशन ने किया था। अपने सैटर्न ग्रह के फ्लाईबाई के दौरान इसने इस मून की कई तस्वीरें ली थी, जिसके बाद सैटर्न ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कैसिनी मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। भविष्य में नासा इस मून पर एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि इसके सरफेस पर लैंड होकर इसके सरफेस का अध्ययन करेगा और साथ ही बर्फ के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड ओशन का पता भी लगाएगा। नंबर टू, यूरोपा। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर सेकंड भी कहा जाता है। ये जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने वाले 79 मून्स में से एक है। जुपिटर ग्रह को उसका चक्कर लगा रहे चार बड़े गैलीलियन मून्स के लिए जाना जाता है। यूरोपा उन्हीं चार मून्स में से सबसे छोटा पर सबसे इंटरेस्टिंग मून है। यूरोपा पूरी तरह कई किलोमीटर विशाल बर्फ के लेयर से ढका हुआ है, जहाँ का एवरेज तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। अभी तक कई मिशनों ने यूरोपा के फ्लाईबाई को अंजाम दिया है, जिसमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयगर 1 और वॉयगर 2 जैसे मिशन मुख्य हैं। वहीं भविष्य में नासा इस मून का अध्ययन करने के लिए इस पर यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन को भेजने की योजना बना रहा है। 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यूरोपा के साउथ पोल से निकल रहे वाटर प्लम्स का पता चला। ऐसे में साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि यूरोपा के सरफेस में मौजूद मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल लिक्विड वाटर के ओशंस मौजूद हो सकते हैं, जहां किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ पहले से ही मौजूद हो या अपने शुरुआती एवोल्यूशन फेज में हो। नंबर थ्री है टाइटन। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सैटर्न ग्रह का सबसे विशालकाय मून है। यह पूरे सौर मंडल में इकलौता ऐसा मून है जिसके पास हमारे पृथ्वी की तरह ही एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के रिवर और विशाल लेक्स मौजूद हैं। भविष्य में नासा इस बेहद ही अनोखे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई नाम के मिशन को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि एक रोटर क्राफ्ट होगा, जो कि इसके सरफेस पर लैंड कर इसके सरफेस कंपोजिशन और लेक्स का अध्ययन करेगा। टाइटन कई मामलों में हमारे पृथ्वी की तरह है। आप इसे हमारे सौर मंडल में मौजूद पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी भी कह सकते हैं। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो, जो कि हमसे काफी अलग हो और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करता हो। नंबर फोर, ट्रिटॉन। नेपट्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे विचित्र मून है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम आमतौर पर मून्स अपने प्लेनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं ट्रिटॉन नेपट्यून ग्रह के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता है, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिक इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो कि इस मून पर लैंड होकर इसके सरफेस और नाइट्रोजन गीजर्स का अध्ययन करेंगे। ट्रिटॉन के सरफेस से निकलने वाले कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है। यानी यूरोपा और एनसेलेडस की तरह ही इसके सरफेस के नीचे भी विशाल लिक्विड वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इन लिक्विड ओशंस में किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म के होने की भी संभावनाएं मौजूद हैं। नंबर फाइव है आईओ जुपिटर।
ये जुपिटर ग्रह का पांचवा और हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव मून है। साइंटिस्ट को खोज के दौरान आईओ मून पर 150 से ज्यादा वॉल्केनोस का पता चला है, जिनके फ्लम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार आईओ मून और उसके वॉल्केनोस का अध्ययन कर रहा है। वॉल्केनोस के साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कई विशाल लावा ट्यूब्स का भी पता चला है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर वहां किसी प्रकार के अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का पता लगा लें तो फिर वहां पर किसी प्रकार के लाइफ के मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। नंबर 6 है गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल काय मून है, जो कि आकार में मरकरी और प्लूटो से भी विशाल है। यानी कि अगर ये जुपिटर की जगह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता तो इसे एक प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता। गैनीमेड हमारे पृथ्वी और दूसरे इनर प्लैनेट्स की तरह ही अलग अलग कुल 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ एक थिन ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर का पता चला है। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे दूसरे चंद्रमाओं की तरह ही सॉल्ट वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इस सॉल्ट रिच ओशन में किसी प्रकार के इनिशियल और कॉम्प्लेक्स लाइफ के होने का भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी चंद्रमाओं में से किस चंद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं, या इनमें से किस चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट पर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।